सो है गैस, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। सो गैस, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बना था जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाया था कि मोबाइल फोन से 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं। तो उस वीडियो पे मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात किए थे जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रोमाटून। तो उस वीडियो पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो कुछ भाइयों को उस एप्लीकेशन से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब वो एप्लीकेशन से वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं तो कैरेक्टर के ऊपर में जो है प्लस का जो निशान है वो वीडियो में आ जा रहा है, उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वॉयस वो ऐड नहीं कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि क्रोमाटून से आप कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं। उसके बाद क्रोमाटून से कुछ न्यू जो है अपडेट आ चुकी है, तो अपडेट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद क्रोमाटून एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस एप्लीकेशन को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो डिफॉल्ट में दो कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो इसी कैरेक्टर को लेकर अगर आप कोई एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी अगर आप और भी कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैरेक्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैरेक्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब आप एक साथ में चार कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो चार कैरेक्टर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको कैरेक्टर को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, मतलब एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए जो जो कैरेक्टर की जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चुड़ैल का कैरेक्टर है, पुलिस का कैरेक्टर है, तांत्रिक का कैरेक्टर है, सेट का, विलेन का, सब कुछ आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चार कैरेक्टर आप जो है ले सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कस्टम कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कस्टम कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस इनपुट कस्टम पर आपको क्लिक कर देना है। इनपुट कस्टम पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैरेक्टर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको की कोड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। नीचे आपको गेट कैरेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस क्रोम ब्राउजर पर रीडायरेक्ट कर देगा आपको। बाद गाइस क्रोमाटून एप्लीकेशन का ऑफिशियली वेबसाइट खोलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्रोमाटून एप्लीकेशन पर उसको इनपुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन प्रिंसेस पैकेज 1, फीमेल कस्टम 1 एंड इसके बाद आप विलेज मैन कस्टम, ठीक है। तो मान लीजिए इंडियन प्रिंसेस पैकेज 1 जो कैरेक्टर है इसको आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको कैरेक्टर के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पर कैरेक्टर का नाम देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको क्रोमाटून एप्लीकेशन पर आना है। आने के बाद गाइस कैरेक्टर का जो नाम ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है जो नाम आपने कॉपी किए हैं। उसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर की कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको भी आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर की कोड पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद लोड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो लोड देख रहे हैं, तो जैसे लोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऐड देखना पड़ेगा, तो शो ऐड पर आप क्लिक कर देंगे। इसके नीचे आपको ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये महारानी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर इनपुट हो चुकी है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। बाकी आप अगर आप कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको भर भर के एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं, जो जो एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से कैरेक्टर को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप फ्लिप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस अगर आप कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड जैसे ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऊपर में आपको बैकग्राउंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कस्टम बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो है ऐड देखना पड़ेगा, तो भी आप जो है यहाँ पर कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं मतलब कार, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फॉरग्राउंड जो ऑप्शन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर कार जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। बाकी कैरेक्टर के हाथ में कोई अगर आप ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं जैसे कि टी AK-47 गान, चाकू, पिस्तौल, हैंड गान, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है कैरेक्टर के हाथ में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हैंड गान यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर हैंड गान भी कैरेक्टर में ले लिया आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है
कैरेक्टर के हाथ में, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इस एप्लीकेशन पर और भी कुछ अपडेट आ चुकी है, जैसे कि रेन, स्मोक, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए पार्टिकल इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रेन, तो जैसे रेन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पर रेन ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, स्मोक, तो स्मोक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए पूरे चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो ये इफेक्ट देकर भी आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ अपडेट आने वाला है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करो, वहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। बाकी जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो एनिमेशन वीडियो बनाने के वक्त ये जो कैरेक्टर के ऊपर में जो प्लस का निशान है वो वीडियो में आ जा रहा है, तो इसको कैसे आप रिमूव करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को चूज़ करना है, कहाँ पर आप शूट करना चाहते हैं, उसके बाद कैरेक्टर को शूट करना है। एनिमेशन आपको सारे चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शो की फ्रॉम ऑफसेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्लस और माइनस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप फ्रेम बाय फ्रेम जो है एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर को सेट कर लेना है, कहाँ किस पोजिशन पर आप कैरेक्टर को खड़ा रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से मूव करना है, ठीक है। वैसे इस तरीके से प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करके एक एक फ्रेम आपको सेव कर लेना है, और उसके बाद एनिमेशन आपको वीडियो बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इस कैमरा अगर जूम आउट जूम इन करना चाहते हो तो कैमरा ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको जूम करना है, ठीक है। तो जहाँ पर आप फोकस करना चाहते हैं वो इस तरीके से फोकस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम आपको ऐड करते जाना है, तो इस तरीके से आपको एनिमेशन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप प्ले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो एनिमेशन आप बनाया है वो कैसा हुआ है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो ठीक है। प्लस आइकन को हटाने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड जो ऑप्शन दिख रहा है, इस रिकॉर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और जिसे रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर में जो प्लस का आइकन दिख रहा है तो वो हट चुका है, ठीक है। इस तरीके से प्ले करके आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे इस एप्लीकेशन पर आप जो है वॉइस ऐड नहीं कर सकते हो, तो वॉइस ऐड करने के लिए आपको काइनमेस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और वहाँ पर वॉइस आप ऐड कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस काइनमेस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है, 16:9 रेसिपी को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो आपने बनाए हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन से उसको आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टाइमलाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ से आप वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको यहाँ से ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम करने के बाद गाइस आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको पैन जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर डबल जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और कुछ इस तरीके से आप जूम भी कर सकते हैं, बाकी आपके हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, इस आप आती है वॉइस ऐड करने के बारी, तो वॉइस ऐड करने के लिए सिंपली से आपको रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्टार्ट ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपने कार्टून वीडियो के लिए जो भी डायलॉग बोलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस आप आसानी से इसको एडिट करके कैरेक्टर के साथ आप जो है लिप सिंक कर सकते हैं अपने वॉइस को। उसके बाद एडिट करके आप जो है वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए, और आप चाहे तो यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर सकते हैं।